नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है, यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल के टैंकर ने इनोवा में टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। थाना नौझील अंतर्गत एक्सप्रेसवे पर देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी मृतक जींद हरियाणा निवासी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, देर रात ये भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और ये भीषण हादसा देर रात हुआ। एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल से भरा टैंकर आ रहा था, तभी इनोवा गाड़ी में उसने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हरियाणा के जींद के निवासी बताए जा रहे हैं सभी मृतक। ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं सुरेश। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी काजोल, मैं आपको बता दूं, ये दर्दनाक हादसा आज मथुरा के थाना नौझील क्षेत्र में रात को उस समय हुआ जब आगरा की तरफ से एक गाड़ी जा रही थी जिसमें लगभग 7 लोग थे जो की जींद हरियाणा के निवासी थे और वो सभी वृंदावन से बांके बिहारी के दर्शन करके नोएडा जा रहे थे और दिल्ली की तरफ से आ रहे एक टैंकर ने तेज रफ्तार के कारण जिस तरह से डिवाइडर से टकराया और टकराने के बाद वो अचानक दूसरी साइड में चला गया जिससे इनोवा पे टक्कर मार दी। इनोवा में जो लोग सवार थे 7 लोग, उनकी मौके पर ही मौत हो गई और जो गाड़ी थी वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल सुरेश, देखा जाए तो हादसा किस वक्त हुआ है, कैसे हुआ और जो टैंकर का ड्राइवर था उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी काजोल, चूंकि टैंकर का ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि तेज स्पीड में टैंकर था और टैंकर अचानक पलटा, उसका टायर फटने की जानकारी मिल रही है। जो वजह थी कि उसका टायर फटा था और टायर फटने की वजह से वो डिवाइडर से टकराया, डिवाइडर के टकराने के बाद वो दूसरी साइड में चला गया। तो दूसरी साइड में जिस तरफ से कार इनोवा आ रही थी उसमें जो 7 लोग थे उनकी वही मौत हो गई क्योंकि वो गाड़ी जो है इनोवा उससे टकराई और टकराने के बाद गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी मथुरा से इस वक्त की मिल रही थी जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल के टैंकर ने इनोवा में जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, सभी लोग जींद निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही फिलहाल पुलिस जो है फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है।